आइए बड़े भक्ति भाव से इस समय हम करुणा की इस माला विनती में भाग लेंगे। प्रभु कृपावान है और साथ ही साथ में दया सागर है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु जितना महान है उतना ही अधिक दयालु भी है। और प्रभु हम सबों पर दया करते हैं, प्रभु हम सबों को आशीष देते हैं। इसलिए हमें प्रभु की दया पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ उसकी तारीफ करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। इस समय हम करुणा की माला विनती में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए बड़ी भक्ति के साथ सबसे पहले हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, अपना दिल प्रभु में लगाएं और उसके बाद हम मिलकर इस माला विनती को बोलेंगे। आइए प्रार्थना करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना गाए। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले लूया, हाले लूया, हाले लू, हाले हाले लूया, हाले लूया, हाले लू। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले लूया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले एक साथ, हाले हाले लूया, हाले लूया, हाले लू, और एक बार गाएं, हाले हाले लूया, हाले तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको
को छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले लुया हाले लुया हाले तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों की सहभागिता पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें और सब संतों के लिए विनती करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्रभु ये कहता है कि मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, मैं आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रियजनों, आज की इस करुणामाला विनती में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे इस पूरे संसार भर के लिए, संसार की कलीसिया के लिए, लोक धर्मियों के लिए, विश्वासियों के लिए। प्रभु इन तमाम लोगों पर दया करे, गुनाहों को माफ करे। हम प्रभु तेरे दास दासियां घुटनों पर आकर तेरी दुहाई देते हैं, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। दया के लिए प्रार्थना करेंगे ए सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। दूसरा भेद हम समर्पित करते हैं विशेष तौर पर सारी मानव जाति के पापों के लिए, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्गों के लिए। प्रभु इन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ करे। यीशु की आत्मा इन सब लोगों पर अधिकार ले। प्रभु का पवित्र लहू आपके परिवारों पर, शरीर आत्मा हृदय पर छिड़क देते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र लहू का विलेपन इन परिवारों पर हो और इनके गुनाहों को और पूरे संसार की कलीसिया के गुनाहों को माफ कर। प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रभु ये कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। इसलिए हम विशेष रूप से दूसरे भेद को समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। दया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। के लिए शर्मिंदा एक साथ। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे कि हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। स्तोत्रकार कहता है, हे मेरे ईश्वर, मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रियजनों, तीसरा भेद हम समर्पित करते हैं उन लोगों के लिए जो निसहाय हैं, शोषित हैं, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। हे प्रभु यीशु, आज उन सभी लोगों को हौसला प्रदान कर, निराशा की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। अत्याचार, शोषण, इन तमाम बुराइयों का जो सामना करते हैं, उन्हें हिम्मत दे। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। दोनों हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं और एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम
पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। स्त्रोतकार लिखता है अध्याय 41 पद संख्या 4 से 5 में, प्रभु रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु मुझ पर दया कर कहते जाना, प्यारे भाई प्यारी बहन, मुझे चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो, इससे वह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन प्रदान करेगा। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए जो रोगशैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां, बवासीर, भगंदर, स्किन के इन्फेक्शन, गुर्दे की पथरियां, पित्त की थैली की पथरियां, इन्फेक्शन, कोढ़ की बीमारी, टीबी की बीमारी, फेफड़ों के इन्फेक्शन, ब्लड के इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन की कमी, कैंसर के रोग, माइग्रेन की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जो पीड़ित हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग से जो पीड़ित हैं, हे प्रभु यीशु, इनकी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू बहने लगे, इन पर दया कर, तेरा सामर्थ्य और करुणा इन लोगों पर, इनके परिवारों पर प्रकट हो जाए। आपका जवाब होगा सभी रोगियों को और हमको चंगा कर। सभी रोगियों को और हमको चंगा कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और हमको चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और हमको चंगा कर। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का याचक हूँ मैं, तेरी कृपा का याचक हूँ मैं, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंतिम भेद हम समर्पित करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, लोक धर्मियों के लिए, और जो अपने विश्वास में कमजोर हो चुके हैं, जाने अनजाने में गलतियां और पापों के द्वारा उन्होंने दंड कमाया है। प्रभु इन पर दया कर, इन्हें क्षमा कर, पवित्रता का वरदान इन्हें प्रदान कर। करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के घोर दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है,
सभी पुरोहितों धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्वे की ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के था समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय
हमारे पापों के कारण कुचला गया। हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी। हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छे से छेदा गया। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप। हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि। हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति। हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा। हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद। हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन। हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन। हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन। हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। घुटना टेके, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य और चंगाई प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दे। वेदी के सामने उपस्थित तेरे इन बच्चों पर दया कर और जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं इन पर तेरी दया उतरे और चंगाई इन्हें प्रदान कर। इनके खेत खलियानों पर, इनके दफ्तरों पर तेरी आशीष उतरे। तेरा सत्य का आत्मा इनकी अगुवाई करे। हर डर खौफ कतरे शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखे। हे दया के सागर करुणा सागर प्रभु, जो बीमार हैं उन पर अपना पवित्र दाहिना हाथ रखने की कृपा कर। जो अस्पतालों में हैं, रोगशैया पर हैं, उनके बिस्तरों को बदलने की कृपा कर। तू वो प्रभु है जो चंगा करता है, दुखियों को दिलासा देता, रोगियों के घावों पर पट्टी बांधता है, उनकी रोगशैया को बदल देता है। आज अपने दास की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद प्रभु जी।